हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ हम सभी अच्छे होंगे, आप भी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज के टास्क ऑफ द डे में आप लोगों को क्या पढ़ना है। और यहाँ पर न्यू मेंबर के लिए हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोग न्यू मेंबर है तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम को बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया। साथ में इसमें आपको बताया जाता है कि आज आपको क्या पढ़ना है, क्या रिविजन करना है, क्या मैपिंग टास्क करना है, और साथ में लाइव क्लासेस में आप लोगों के लिए दी जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया है तो जल्द से आप लोग कर लें, जिससे सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए करे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आज 25 जुलाई है और आपका तैयारी करने का यहाँ पर 18वां दिन है। तो आज आप लोगों के लिए यहाँ पर ज्योग्राफी एनसीईआरटी 11th क्लास, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसका आपको लेसन नंबर 13 और 14 आप लोगों के लिए पढ़ने हैं। ना केवल आपको ये पढ़ने हैं बल्कि आपको बहुत अच्छे से इसके नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए देखने को मिलेगी और इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और कई बार आप लोगों के लिए रिवीजन करने के लिए भी एनसीईआरटी दी जाएगी, क्योंकि आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी। ओके, और जैसा आप लोग टास्क का बहुत टाइम पर कवर करके देते हैं, इसी तरह से आप लोग कवर करके देते रहिएगा। आज हम पिक नहीं लगाई है क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारी अभी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी हम ऑपरेशन करा के आई थी, इसलिए 2 दिन आपकी क्लास भी ऑफ हो गई, तो उसके लिए तो हम अभी क्षमा चाहते हैं। लेकिन आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, वैसे हम संडे वाले दिन क्लास देने वाले थे लेकिन आप लोगों ने मना कर दिया कि सर थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। तो हमने भी सोचा, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें जलन हो रही थी, हमें नहीं लगा कि पहले हमें लगा कि चलो ठीक है ऑपरेशन कराएं सुबह तक ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर वो जलन बढ़ती चली गई। जब भी टॉयलेट जाते हैं तो वो हालत खराब हो जाती है, तो ऑपरेशन की वजह से। तो इस वजह से हमने चलो कहा 2 दिन रेस्ट ले लेते हैं, अच्छे से मेडिसिन ले लेते हैं, कहीं आप लोगों की और ज्यादा क्लासेस ऑफ ना हो जाए। और आप लोगों का इतना सारा प्यार देख करके, इतने सारे आप लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेज किए, वो देख करके बहुत ज्यादा हमें अच्छा लगा सच में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, मैपिंग टास्क को भी देख लेते हैं, और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिएगा, हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। सारी क्लासेस ऑन टाइम पर आपकी कराई जाएंगी, अभी 2 दिन क्लास ऑफ हो गई थी, कोई समस्या वाली बात नहीं, हम आपको 15-15-20-20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा करके कवर कर देंगे 2 दिन का। ओके, तो परेशान नहीं होना है आप लोगों के लिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आज का मैपिंग टास्क क्या है। तो मैपिंग टास्क आपको साउथ अमेरिका यानी कि आपको दक्षिण अमेरिका आपको देखने को मिलेगा, इसकी कुछ रिवर है इंपॉर्टेंट, वो आप लोगों के लिए सर्च करने के लिए दी जाएंगे। तो एटलस में आपको खोजने के बाद ब्लैंक मैप पर आपको लोकेट करना है, और इनको हम बाद में पढ़ाएंगे, तो इसी क्रम में हम पढ़ाने वाले हैं। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ रिवर को खोज लेना है कहाँ पर है, बस इतना ही करना है, बस आपको 2 से 3 मिनट लगेगा। तो चलिए, एक आपको पहली रिवर आपको देखने को मिलेगी मैगडेलना रिवर, और आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देते हैं कहाँ पर है। देखिए, आप वैसे इधर से इस तरह से आप घूमते हुए जाएंगे तो आपको साइड रिवर देखने को मिल जाएंगे। तो ये पहली रिवर है, ये आपको स्टार्टिंग में ही आपको दिख जाएगी, जहां पर पनामा आपने दिस दिखा होगा ना, फिर वहां से आप जैसे ही दक्षिण अमेरिका में एंटर करेंगे तो वहां पर ही आपको दिख जाएगी। फिर उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट रिवर आपको देखने को मिलेगी ओरिनोको, तो ओरिनोको आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर ही दिख जाएगी ओरिनोको आपको दिख जाएगी, यहाँ पर दूसरी रिवर आप लोगों को दिख जाएगी। फिर आप लोग इसी बार आपको एंजल फॉल भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ही, एंजल फॉल हो सकता है आपके एटलस में ना हो लेकिन परेशान नहीं होना। ओके, इसके अलावा तीसरी जो रिवर है वो अमेजन, ये आपको सबसे बड़ी आपको रिवर देखने को मिलेगी दक्षिण अमेरिका की, और साथ में ये दुनिया का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है। अपवाह तंत्र आपको बताएंगे क्या होता है। ओके, तो ये आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा चौथी रिवर आपको देखने को मिलेगी पोरुस, ये देखिए जो पोरुस है ना वो अमेजन की ही क्या है, ट्रिब्यूटरी है। तो सबसे पहले ये दक्षिण से आकर के मिलती है जो पोरुस, आपको चौथी वाली रिवर आपको ये देखने को मिलेगी, तीसरी ये है, और देखिए यहाँ पर आपको निग्रो देखने को मिलेगी। देखिए पोरुस है वो भी अमेजन की सहायक रिवर है, और आपको निग्रो भी आपको इसकी सहायक रिवर देखने को मिलेगी, लेकिन पोरुस है वो दक्षिण से आकर के मिलती है, लेकिन निग्रो है वो उत्तर से आकर के मिलती है, मतलब नॉर्थ से आकर के मिलती है। तो देखिए इस तरह से जो रिवर आकर के मिल रही है ये आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर निग्रो रिवर आपको देखने को मिलेगी। निग्रो के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मेडीरा है, ये आपको ये 5वें नंबर की है और ये आपको 6ठे नंबर की आपको देखने को मिलेगी। तो ये कौन सा नंबर है, 5वां नंबर है, और 6ठे नंबर पर ये वाली रिवर है, ये इसके बाद में यानी कि जो निग्रो है निग्रो के बाद ये आकर के मिलती है, लेकिन ये भी दक्षिण से आकर के मतलब साउथ से आकर के अमेजन बेसिन में मिल जाती है, यानी कि ये भी क्या है इसकी सहायक रिवर है, यानी कि 3 यहाँ पर हमने आपको सहायक रिवर भी बताई है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के लिए बता दी है, तो इस तरह से आकर के ये भी मिलती है, तो आपको बहुत आसानी से ये सारी रिवर मिल जाएंगी। फिर उसके बाद में आपको टोकेंटिस देखने को मिलेगी, टोकेंटिस कौन सी, 7वें नंबर की है। तो जहां पर देखिए अमेजन नदी है ना, वो जहां पर आकर के सागर में आकर के विलीन होती है ना, उसी के पास में थोड़ा सा आगे आप लोग नीचे जाएंगे, मतलब आप लोग थोड़ा सा साउथ में जाएंगे,
तो आपको दिख 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 जाएगी, टोकेंटिस रिवर दिख जाएगी, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 7 नंबर की आपको दिख जाएगी, और 8 नंबर पर है सैन फ्रांसिस्को, आपको साउथ फ्रांसिस्को आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए आप लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ब्राजीलियन हाईलैंड आपको हमें पढ़ाए थे ना, तो ब्राजीलियन हाईलैंड के पास में ही आप लोग खोजिएगा। तो देखिए इस तरह से रिवर गई हुई है आपको दिख जाएगी, मैं थोड़ा सा साइड से हट जाता हूँ तो हो सकता है आप लोगों के लिए इधर ही दिख जाए, तो इस तरह से आपको मैप पर मिल जाएगी आराम से। फिर उसके बाद में आपको 9th नंबर पर आपको पराना देखने को मिलेगी, तो देखिए पराना आपको इस तरह से देखने को मिलेगी, ये देखिए पराना है। और आपको रियो डी प्लाटा आपको पढ़ाए थे ना, देखिए रियो डी प्लाटा, रियो डी प्लेट भी इसको बोलते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग देखने को मिलेगा, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है ओके। तो जो आपको यहाँ पर हम आपको बताए थे ना कि इस तरह से खाड़ी टाइप का आपको देखने को मिलेगा रियो डी प्लाटा, तो यहाँ पर ही आकर के मिल जाती है, मतलब सागर में आकर के विलीन हो जाती है। तो यही रिवर आपको देखने को मिलेगी पराना, ये काफी इंपॉर्टेंट रिवर आपको, इसी पर आपको एक फॉल मतलब वाटरफॉल भी आपको देखने को मिलेगा, इगुटकस इसको बोलते हैं। और फिर उसके बाद में 10वें नंबर पर आपको कोलोरेडो और 11वें नंबर पर आपको निग्रो देखने को मिलेगी। देखिए जो कोलोरेडो और जो निग्रो है ना वो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा लोकेट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए ये दोनों, पहले आप कोलोरेडो देखेगी फिर आपको निग्रो देखने को मिलेगी, आराम से आप लोग सर्च कर लेंगे, लोकेट कर लेंगे, बस आपको अभी क्या है लोकेशन, और इनको समय के साथ में रिवाइज करते रहिएगा। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि आप पिछले का भी आप रिवाइज कर लिया करिए, जैसे कि आपने कल आपको जो भी लोकेशन दी गई वो आज रिवाइज कर ली थी, और आज वाली है, कल आपको नेक्स्ट जब टास्क दिया जाएगा तो फिर से पिछले की जितनी भी आपको लोकेशन दी गई है वो आपको जल्द से जल्द, मतलब एक सरसरी निगाहों से कहते हैं, उससे आप लोगों को रिवाइज कर लेना है ओके। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से सभी जो सिलेबस है वो आपको कवर कराया जाएगा। अभी एनसीईआरटी आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए दी जाती है, तो देखिए आप लोग देख सकते हैं किस महीने में आपकी कौन सी एनसीईआरटी चलेंगी, और इसी तरह से आप लोगों के टेस्ट भी होते हैं, संडे को आप लोगों का टेस्ट भी होता है ओके। और इसके अलावा सुबह 8 बजे आपको टास्क भी दिया जाता है, तो टास्क भी आकर के आप लोगों के लिए इसी तरह से डेली ज्वाइन करना है, डेली कवर करना है। और आप लोगों के लिए 3 बैचेस हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आए हैं, एक यूपीएससी का आपको देखने को मिलेगा, एक यूपीपीसीएस और बिहार पीसीएस का आपको देखने को मिलेगा। इनकी टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं, एक आपकी 3 बजे क्लास चलती है और एक आपकी 6 बजे क्लास चलती है। देखिए 3 बजे आपकी एक पीसीएस की क्लास चलती है और आपकी 6 बजे एक आईएएस की क्लास चलती है, लेकिन पीसीएस वाले स्टूडेंटों को भी 6 बजे वाली क्लास ज्वाइन करनी होती है, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन सिलेबस है, वो आपको यहाँ पर ही कवर कराया जा रहा है, और जो पीसीएस स्पेशल है वो आपका 3 बजे कवर कराया जा रहा है, आप लोग जानते हैं। और जब यूपीपीसीएस का बैच अभी फिनिश हो जाएगा, 2-2.5 महीने में खत्म हो जाएगा, तब आपको यहाँ पर बिहार पीसीएस स्टार्ट होगा, इस तरह से आप लोग की सारी क्लासेस चलेंगे। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर करंट अफेयर की 12 बजे आपको एक क्लास मिलती है, जो शिवम सर के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, और पूरे द हिंदू न्यूज़पेपर का हिंदी में कंपाइलेशन किया जाता है, हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो जिन लोगों को समस्या आती है कि सर द हिंदू, तो द हिंदू को आपको पूरा का पूरा हमारे चैनल पर आपको मिलेगा पूरा ट्रांसलेशन ओके। और उसके नोट्स भी आपको मंथली बेसिस पे दिए जाएंगे, और यहाँ पर संडे को डाउट क्लियरेंस सेशन चलेगा। देखिए 3 संडे हो चुके हैं, लेकिन एक भी सेशन ये वाला नहीं हो पाया था, क्योंकि इस वाले संडे से आप लोगों का जूम मीटिंग होने वाला था, लेकिन हमारी तबीयत खराब होने के कारण, ऑपरेशन होने के कारण हम इतने सक्षम नहीं थे कि आप लोगों की जूम मीटिंग करा पाते, लेकिन अगली बार से डेफिनेटली आप लोगों की होगी। तो सभी लोग जूम ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा ओके। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अपना चैनल है क्लब आई सब्सक्राइब, और यहाँ पर ही आपको प्लेलिस्ट वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको सेपरेट इस तरह से सारी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपको इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आपने बैच ज्वाइन किया है जाकर के उसी प्लेलिस्ट में जाना है, और सभी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगी अगर आप लोगों ने कुछ दिनों से बाद से बैच ज्वाइन किया है तो ओके। अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए तो आप लोग अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और देखिए यहाँ पर किस तरह से आप लोगों के जो सब्जेक्ट है वो चलेंगे, और किस सब्जेक्ट पर कितनी क्लासेस, कितनी घंटे क्लासेस चलेंगी, वो सब कुछ यहाँ पर जानकारी विस्तृत में दी गई है। और आपके आप लोगों के आई कार्ड है वो बन गए हैं, तो आई कार्ड अब बहुत ज्यादा होने के कारण हम स्लाइड पर सभी के नहीं लगा सकते थे, क्योंकि बहुत लंबी हो जा रही थी स्लाइड, तो इस वजह से हमने नाम यहाँ पर लगा दिया है। देखिए अगर आपका इसमें नाम आता है तो आप लोग इस एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जूम करके देखते रहिएगा, इसमें अगर नाम होगा तो आपका आई कार्ड बन गया। इसी तरह से गर्ल्स का भी है, अगर इसमें आपका नाम है गर्ल्स में किसी का, तो अगर आप लोगों ने जो फॉर्म भर दिया है तो आप लोगों का बन गया होगा, और आप लोग इस तरह से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर जिन लोगों का अभी तक आई कार्ड नहीं बना है, क्लब ज्वाइन नहीं किया, वो जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने बताया किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, किस तरह से आपको क्लब की मेंबरशिप है वो दी जाएगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट से सब कुछ है, आप लोगों से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर ऐसे आप लोग सोच रहे होंगे कि क्लब
कि मेंबर बनने के लिए कोई चार्ज है, तो कोई भी चार्ज अभी नहीं लिया जा रहा है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहें आप लोगों के लिए। हम सारा प्रीमियम कंटेंट, वैल्यूएबल जो कंटेंट है वो आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहेंगे इसी तरह।